जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वह जिंदगी की इस अद्भुत प्रस्तुति मंदिर दर्शन में स्वागत करती हूँ। आज के सेगमेंट में मैं आपको लेकर चल रही हूँ आसाम के गुवाहाटी शहर में और हम दर्शन करने वाले हैं गुवाहाटी शहर स्थित तीन जैन मंदिरों की। तो फिर चलिए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ आसाम की राजधानी दिसपुर में और वहाँ के प्रसिद्ध जैन मंदिर की हम दर्शन करते हैं। वह जिंदगी ने मंदिर दर्शन के नाम से एक नई श्रृंखला शुरू की है जिसके अंतर्गत वह जिंदगी आपको घर बैठे देश के विभिन्न छोटे और बड़े शहरों के जैन मंदिरों के दर्शन कराता है। इसी क्रम में वह जिंदगी की टीम कोलकाता से हवाई मार्ग के द्वारा करीब 525 किलोमीटर दूर गुवाहाटी पहुंची और वहां से कार के द्वारा दिसपुर जैन मंदिर पहुंची। असम के प्रसिद्ध शहर गुवाहाटी के पास स्थित राज्य की राजधानी दिसपुर शहर में जब वहाँ जिंदगी की टीम पहुंची तो वहाँ के दिगंबर जैन मंदिर को देखकर हमारी पूरी टीम मंत्र मुग्ध हो गई। देश के विभिन्न शहरों के जैन मंदिरों के दर्शन कराने के क्रम में वहाँ जिंदगी की टीम आज पहुंच चुकी है गुवाहाटी में और इस वक्त मैं खड़ी हूँ गुवाहाटी के दिसपुर मंदिर के सामने। तो चलिए हम दर्शन करते हैं दिसपुर दिगंबर जैन मंदिर के और जानते हैं इनके इतिहास वर्तमान के बारे में और धर्म का लाभ उठाते हैं। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही एक अद्भुत शांति का एहसास हुआ। विशाल वेदी पर भगवान के अभिषेक हो रहे थे। सैकड़ों की संख्या में मौजूद श्रद्धालु भगवान के अभिषेक को देखकर अपने को धन्य महसूस कर रहे थे। मंदिर की साज सज्जा काफी कलात्मक रूप से की गई है। 1980 के आसपास तक दिगंबर जैन धर्म के कई परिवार दिसपुर में आकर बस गए। जैन मंदिर नहीं होने पर यहाँ के जैन समाज के लोगों ने 1981 में मंदिर बनाने के बारे में चर्चा की और इसे मूर्त रूप देते हुए 1982 में जमीन खरीदकर एक छोटा सा चैत्यालय स्थापित किया गया। मंदिर स्थापित होने के बाद लोगों की आस्था इससे जुड़ने लगी। असम ही नहीं पूरे पूर्वांचल से लोग इस मंदिर से जुड़ते गए। इसके फलस्वरूप साल 1992 में एक भव्य मंदिर परम पूज्य आर्यका गणनी सुपार्श्वती माताजी के सानिध्य में इस मंदिर की स्थापना बड़े ही धूमधाम और भव्य रूप से हुई। मैं आज दिसपुर दिगंबर जैन मंदिर में आई, दर्शन करके मन को काफ़ी शांति मिली। आप इस मंदिर के इतिहास और वर्तमान के बारे में बताइए। यह मंदिर 1992 में इसकी प्रतिष्ठा हुई थी। इस मंदिर के निर्माण में श्री विजय कुमार जी पांड्या, उनका जो योगदान है हम कभी भुला नहीं सकते, और हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय इस समाज को संगठित करने में श्री शांतिलाल जी बच का सबसे महत्वपूर्ण सहयोग रहा। उसके पश्चात
वे हमारे अध्यक्ष थे, उसके पश्चात श्री विजय कुमार जी सेठी वे दूसरे अध्यक्ष बने और समाज को एक नया रूप उन्होंने प्रदान किया। हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, ये जो जितने हैं हमारे सब एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, सबका सहयोग हमें मिलता है। सबसे पुराने सदस्य रमेश जी काला और सोहनलाल जी काला यहाँ के सबसे पुराने सदस्य थे। उनके दो चार साल बाद ही हम लोग आए और परतूलाल जी गंगवाल, वो भी हमारे पुराने सदस्य हैं थे, उनका स्वर्गवास हो गया है। दशलक्षण पर्व होता है, बड़ी धूमधाम से यहाँ होता है और इस मंदिर की स्थापना पंडित विमल कुमार जी सोरैया के हाथों से भी, उनको भी हम आभार प्रकट करते हैं। समाज के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं श्रीमान सुंदरलाल जी छाबड़ा, इनको हम दिसपुर समाज का भीष्म पितामह कहते हैं और इस मंदिर की रचना में, इस भवन की रचना में उन्होंने जो आर्थिक सहयोग प्रदान किया, उसके ऋणी हम हमेशा जीवन भर रहेंगे। हम दिसपुर समाज की तरफ से उनका विशेष आभार व्यक्त करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। मंदिर की प्रतिष्ठा के दौरान यहाँ मात्र 12 से 13 घर ही थे और आज भगवान महावीर की कृपा से यहाँ पर दिन प्रतिदिन समाज में वृद्धि हो रही है और आज दिसपुर में दिगंबर जैन नाम नाव के करीब 150 घर हैं। मैं नलबाड़ी से हूँ, नलबाड़ी मेरी जन्मभूमि है लेकिन मेरी कर्म भूमि दिसपुर है। मैं जब दिसपुर आया और मेरे को जब भगवान महावीर के इस भव्य प्रतिमा का दर्शन का सौभाग्य हुआ, मैं गदगद हो गया और मैं मेरे को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने नलबाड़ी समाज में जन्म लिया और दिसपुर में मेरा कर्म भूमि के हिसाब से मैंने दिसपुर को अपनाया। इस मंदिर से कितने परिवार जुड़े हुए हैं? इस मंदिर से आज के दिन 150 से ऊपर है परिवार, तो 150 परिवार है समझ लीजिए। नए भी अभी रिसेंटली भी बहुत सारे परिवार आए और हर दिन नए नए परिवार इस मंदिर से जुड़ रहे हैं। और आज जितने लोग इस मंदिर में देखे आपने, आप कभी भी बिना नोटिस के आएंगे तो आपको मंदिर पूरा भरा भरा मिलेगा। यहाँ सारी धर्म प्रभावना है और सब जैन समाज यहाँ पूरे धार्मिक भाव से जुड़े हुए हैं और सारे धार्मिक क्रिया कार्यों में सारी समाज इकट्ठी होकर एक साथ भाग लेती है। मंदिर में मूल नायक के रूप में भगवान महावीर की विशाल और भव्य प्रतिमा विराजित है। भगवान महावीर की प्रतिमा के साथ 6 प्रतिमाएं और विराजित हैं। आप इस मंदिर का विशेषता बताइए। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है इस मंदिर की मूल नायक प्रतिमा भगवान महावीर स्वामी की। इस प्रतिमा में सबसे गजब को ये है, आप देखते रहो पलक झपकने का काम ही नहीं पड़ता है। मन में ऐसा लगता है कि देखते ही जाओ और जिससे देखने के बाद भी एक संतुष्टि मिलती है, ऐसी संतुष्टि कि हम मैंने बता नहीं सकते हैं। मैं रोज़ सुबह डेली कलश देखने आता हूँ, शांति धारा देख के जाता हूँ। एक दिन भी मेरा अगर मिस होता है तो जैसे मुझे लगता है कि मैंने आज क्या कुछ खोया है, क्या कुछ नहीं किया है। मंदिर में काफी बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी जो धर्म के साथ ही साथ कई परोपकारी कार्यों से भी जुड़ी हैं। यहाँ की महिलाएं पूर्वोत्तर दिगंबर जैन संगठन से भी जुड़ी हैं, जो समय समय पर कई कैंप लगाकर जरूरतमंदों की सहायता करता है। दिसपुर समाज की महिलाएं सिर्फ धर्म से जुड़े हुए हैं या कुछ सामाजिक कार्य भी करते हैं? सामाजिक कार्य में जैसे दिसपुर जैन समाज की महिलाएं पूर्वोत्तर दिगंबर जैन महिला संगठन से जुड़ी हुई है, उसमें हम लोग साल में एक बार या दो तीन बार मतलब कैलिपर कैंप लगवाते हैं। उसमें 10-15 जन के एक बार जब कैंप लगता है तो 15 से 20, 20 से 25 तक उनके पैर हाथ जो भी कटे हुए रहते हैं उनको लगवाते हैं और मतलब आँखों का ऑपरेशन करवाते हैं साल में 2-3 बार। ब्लड डोनेशन का भी काम करते हैं हम। महिलाएं सब हर रोज मंदिर में दर्शन करने आते हैं, भक्ति भाव से पूजा करते हैं और हर बृहस्पतिवार को शाम को 6:30 बजे से नमोकार मंत्र करते हैं और सब महिलाएं सारी एक्टिव है और पूजा पाठ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। यहाँ के बच्चों में भी जैन धर्म की अद्भुत प्रभावना देखने को मिली। प्रत्युभया अति कामा
मंदिर को अद्भुत और सुनियोजित ढंग से चलाने के लिए यहाँ की कमेटी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। मंदिर के ठीक विपरीत तरफ विशाल और कई मंजिला एक अतिथि गृह भी है जो समाज के काम आता है। दिसपुर दिगंबर जैन समाज ने वह जिंदगी टीम का अभूतपूर्व ढंग से स्वागत किया जिससे हमारी टीम अभिभूत हो गई। अगर आपने अभी तक असम के दिसपुर दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं तो आज ही आइए और भगवान महावीर की मनोहारी प्रतिमा के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। दोस्तों वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत क्योंकि हमारे असम के इस मंदिर दर्शन का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा ब्रेक के उस पार भी। वह जिंदगी एक अद्भुत और लोकप्रिय टीवी शो जिसका पहला एपिसोड 28 अगस्त 2011 को प्रसारित हुआ और विगत 8 सालों से सफलतापूर्वक चलता हुआ इसने अपने 300 एपिसोड्स पूरे कर लिए। वह जिंदगी उन लोगों की आत्मकथा दिखाता है जिन्होंने मेहनत कर सफलता प्राप्त कर न केवल अपनी बल्कि अपने साथ साथ जुड़े सैकड़ों लोगों की जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। साथ ही साथ वह जिंदगी का एक अद्भुत कार्यक्रम एक दिन गुरुदेव के साथ काफी ऐतिहासिक और प्रसिद्ध हुआ जिसमें दिखाया जाता है जैन साधुओं की कहानी उन्हीं की जुबानी। इसके साथ ही वह जिंदगी उन संस्थानों पर भी फिल्म बनाकर दिखाता है जो अपनी सेवाओं के द्वारा लोगों की जिंदगी को बनाता है वह जिंदगी। इसके अलावा वह जिंदगी आपको घर बैठे देश के विभिन्न जैन मंदिरों के दर्शन भी कराता है। अगर आप अपने परिजन किसी संस्था पर किसी धार्मिक अनुष्ठान पर या फिर किसी मंदिर पर फिल्म बनाकर लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी कोलकाता 9331722031। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। जैन प्रतिभाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। वह जिंदगी 10 एपिसोड की एक विशेष श्रृंखला शुरू कर रहा है जिसके द्वारा कुछ जैन प्रतिभाओं के बारे में आपको हम बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपने साथ साथ हजारों लोगों की जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। इस श्रृंखला का प्रसारण बहुत जल्द पारस टीवी पर किया जाएगा। बहुत ही जल्द देश के अन्य हिस्सों में इस श्रृंखला की शूटिंग का अगला चरण शुरू होगा जिसमें कई और जैन प्रतिभाएं जुड़ेंगी। अगर आप भी किसी जैन प्रतिभाओं को जानते हैं तो हमें सूचित करें। ललित सरावगी 9331722031। मंदिर दर्शन की इस प्रस्तुति में अब हम दर्शन करने जा रहे हैं गुवाहाटी के आठगांव स्थित चैत्यालय की। तो चलिए चलते हैं चैत्यालय के दर्शन करते हैं, भगवान की आराधना में लीन हो जाते हैं। गुवाहाटी के दिसपुर जैन मंदिर के दर्शन करके हमारी टीम पहुंची गुवाहाटी शहर के हृदय स्थल आठगांव में। जहां पर बहुमंजिला एक मकान की छत पर भव्य रूप से स्थापित है श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय। अब हम दर्शन करने जा रहे हैं आठ गांव शांतिनाथ चैत्यालय के, तो चलिए दर्शन करते हैं शांतिनाथ चैत्यालय के। इस चैत्यालय में मूल नायक के रूप में भगवान शांतिनाथ की अतिशयकारी प्रतिमा स्थापित है जिनके दर्शन करते ही मन में अलौकिक शांति मिलती है। साथ ही साथ वेदी पर भगवान कुंथुनाथ, भगवान चंदा प्रभु, भगवान पार्श्वनाथ समेत शांतिनाथ की एक छोटी प्रतिमा भी स्थापित है। चैत्यालय की आंतरिक साज सज्जा काफी खूबसूरत तरीके से की गई है। चैत्यालय परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाने पर चैत्यालय के बाहर भी पूजन की व्यवस्था की गई है।
1977 के आसपास इस चैत्यालय की स्थापना हुई। पहले यह चैत्यालय एक छोटे से गृह चैत्यालय के रूप में स्थापित था, पर 1999 में बहुमंजिला मकान की छत पर स्थापित होने के बाद इस चैत्यालय की ख्याति धीरे धीरे बढ़ती गई और काफी बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ते चले गए। साल 2001 में इस चैत्यालय का नवीनीकरण हुआ और प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री विमल कुमार जी के सानिध्य में काफी धूमधाम से इसकी वेदी प्रतिष्ठा हुई। इसके बाद तो ऐसा अतिशय हुआ कि आज इस मंदिर से काफी बड़ी संख्या में गुवाहाटी के दिगंबर जैन परिवार जुड़े हुए हैं। गुवाहाटी में करीब 2000 दिगंबर जैन परिवार निवास करते हैं और 8 गाँव के इस अतिशयकारी श्री शांतिनाथ चैत्यालय से करीब 600 परिवार जुड़े हुए हैं। मैंने आज 8 गांव शांतिनाथ चैत्यालय का दर्शन किया, बहुत ही शांति का अनुभव हुआ। आप इस चैत्यालय का इतिहास बताइए। इस चैत्यालय की स्थापना आज से लगभग 42 वर्ष पूर्व मेरे ताऊजी स्वर्गीय सोहन लाल जी पाटनी एवं मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटनी के द्वारा हुई थी। इसके बाद मेरे बड़े भाई साहब श्री उदय कुमार जी पाटनी और मेरी माता श्री श्रीमती कमला देवी पाटनी इसकी देखरेख बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। सन 2014 के में समय के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए हमारे बुजुर्गों के लिए हम लोगों ने लिफ्ट की व्यवस्था करवाई। लिफ्ट आने के बाद तो माने चैत्यालय में भक्तों का तांता सा लग गया। प्रत्येक वर्ष पर्यूषण के समय मनोज जी के नेतृत्व में इस चैत्यालय का माहौल किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं लगता है। आज के दिन यह चैत्यालय बृहत रूप लेकर गुवाहाटी महानगर में अपनी एक अनूठी पहचान बनाए हुए हैं। मैं वह जिंदगी की टीम का आभारी हूँ कि उन्होंने चैत्यालय आकर हमारी दैनिक पूजा पाठ के कार्यक्रम की वीडियो झलकियाँ वगैरह ली। इस चैत्यालय का विशेषता बताइए। ये चैत्यालय तो है आपने कहा, लेकिन मंदिर से कम नहीं है। और इस चैत्यालय की विशेषता ये है कि आज जितने भी मंदिर है इस भारतवर्ष में शायद ही ऐसा कोई मंदिर होगा या चैत्यालय होगा कि जहाँ पुजारी नहीं हो। लेकिन इस चैत्यालय में क्या है, कोई पुजारी नहीं है कि जो अर्घ धोता हो या व्यवस्था करता हो। यहाँ जितने भक्तगण जो आते हैं कलश पूजा करते हैं, वो ही व्यक्ति खुद ही कलश की तैयारी करते हैं, अर्घ धोने अर्घ की तैयारी वो लोग खुद ही करते हैं। और सुबह जब 4:15 बजे जब मंदिर खुलता है तो 4 बजे से यहाँ लोग खड़े हो जाते हैं कि कब मंदिर खुले और कब वो लोग मंदिर का पट खोले, कब तैयारी करें। और दशलक्षण में रोज तो धोते ही, दशलक्षण के अंदर में जो कम से कम भी 150-200 लड़के कलश करते हैं, पूजा करते हैं, इतनी महिलाएं करती हैं, सभी लोगों के लिए पूरी व्यवस्था, पूजन की व्यवस्था, दरब की व्यवस्था, वो हमारे लड़के लोग जो पूजा कलश करते हैं वो लोग ही तैयारी करते हैं। तो सुबह 2:30 बजे वो लोग सब आ जाते हैं दशलक्षण में, दसों दिन, और एक दो नहीं आते हैं, लाइन लगी रहती है। कम से कम 15-20 लड़के तो सुबह 2:30 बजे आके अपनी सारी तैयारी करते हैं। इस चैत्यालय के द्वारा समाज के बड़े बुजुर्गों के साथ कई यात्राएं भी आयोजित की जाती हैं, जिसका नाम समर्पण यात्रा संघ है। तीर्थ यात्रा के दौरान समाज के द्वारा कई क्षेत्रों में प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्वार में सहयोग भी दिया जाता है। आज यह चैत्यालय भले ही कहलाता हो, परंतु इसका स्वरूप किसी मंदिर से कम नहीं है। इस चैत्यालय की सबसे खास बात यह है कि इससे युवा वर्ग भी काफी बड़ी संख्या में जुड़ा हुआ है, जिनका चैत्यालय के प्रति काफी गहरा समर्पण भाव है। चैत्यालय से जुड़ी महिलाएं जहां एक तरफ धर्म से जुड़ी हैं, वहीं सामाजिक कार्यों में इनका काफी बड़ा योगदान रहता है। आप
आप सब महिलाएं सिर्फ धर्म से ही जुड़ी है या कोई सामाजिक कार्य भी करते हैं? आठ गांव चित्तालय की तरफ से आप सभी का भाई जिंदगी वालों का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और सामाजिक कार्य हमारा ये है कि जैसे पैसा इकट्ठा करना, कहीं मतलब गरीबों को देना, और जिसका मतलब काम क्या बोलते हैं बीमार से ग्रसित है और जिसका इलाज नहीं होता है उनको हम सहायता करते हैं। और यहाँ पे पाठशाला चलती है, धर्म क्लास पाठशाला चलती है जिसमें महासभा के अंडर में चलती है, मैं अध्यक्ष हूँ उसके अंडर में चलती है, 10 टीचर्स हैं और 70-80 बच्चे हैं उसमें। और वो बच्चे इतना इंटरेस्ट लेकर के मतलब पढ़ते हैं ना कि सबको भक्तामर्थक आने लग गया और हर पार्टिसिपेट करते हैं हर प्रोग्राम में वो लोग बच्चे। और आठ गांव की महिलाओं का तो क्या कहना, धर्म से जुड़ी हुई है, हर दिन हम लोग उपवास व्रत करने वाली महिला रहते हैं और जो कार्य होता है वो शांतिनाथ दिगंबर जैतालय से नया कार्य होता है, जैसे उपवास व्रत करना, जैसे हमारे शैलेश भैया है एक एक महीने का उपवास यहीं से शुरू किए, अभी इस व्रत पे साधना पे चल रहे हैं, एक दिन का उपवास एक दिन का पारना। पान बाजार, रिहावाड़ी, आठ गांव, शांतिपुर, सारी जगह के लोग यहां पे पूजा अभिषेक प्रक्षाल के लिए हमेशा आते हैं। और पर्यूषण में तो यहां पे लोगों का भक्तों का तांता लगा रहता है। और वह जिंदगी के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि समय के साथ विकास तो होना जरूरी है, लेकिन विकास के साथ यदि हम अपने धर्म, संस्कृति, परिवार और स्वास्थ्य को भूल जाएं तो वो विकास अधूरा है। इसलिए मेरी सभी से अनुरोध है कि विकास के साथ अपने धर्म, संस्कृति, स्वास्थ्य, परिवार का भी ध्यान रखें। वह जिंदगी टीम का अभूतपूर्व ढंग से स्वागत किया जिससे हमारी टीम अभिभूत हो गई। ललित कुमार की सरावगी और सविता देवी आई हैं, आप सभी का शांतिनाथ दिगंबर टीम के साथ आज इनकी उनका प्रोग्राम इसलिए करते हैं कि हमारे दिगंबर जैन पूरे भारतवर्ष में जितने भी मंदिर चैताले हैं उन सबका दर्शन हमारा पॉसिबल नहीं होता, नाम भी हम नहीं जानते हैं। तो वो अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से, वहाँ जिंदगी के माध्यम से वो हमें पूरे भारतवर्ष के लगभग मंदिर को कवर करते हैं और उनको चैनल के माध्यम से हम लोग को दिखाते हैं। अगर आपने अभी तक श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय के दर्शन नहीं किए हैं तो आज ही आइए और शांतिनाथ प्रभु के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। और अब फिर से एक बार ब्रेक का वक्त हो चला है, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, कहीं जाइएगा मत, मैं यहीं पे आप सभी का इंतजार करूंगी। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा, जैन प्रतिभाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। वह जिंदगी 10 एपिसोड की एक विशेष श्रृंखला शुरू कर रहा है जिसके द्वारा कुछ जैन प्रतिभाओं के बारे में आपको हम बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपने साथ साथ हजारों लोगों की जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। इस श्रृंखला का प्रसारण बहुत जल्द पारस टीवी पर किया जाएगा। बहुत ही जल्द देश के अन्य हिस्सों में इस श्रृंखला की शूटिंग का अगला चरण शुरू होगा जिसमें कई और जैन प्रतिभाएं जुड़ेंगी। अगर आप भी किसी जैन प्रतिभाओं को जानते हैं तो हमें सूचित करें। ललित सरावगी 9331722203। दोस्तों अब वक्त हो चला है पांडू जैन मंदिर के दर्शन करने का, चलिए जैन मंदिर के दर्शन करते हैं। गुवाहाटी के दिसपुर जैन मंदिर और आठ गांव के चैत्यालय के दर्शन करने के बाद वह जिंदगी की टीम पहुंची पांडू में। अब हम दर्शन कराने जा रहे हैं पांडू दिगंबर जैन मंदिर के, तो चलिए दर्शन करते हैं पांडू दिगंबर जैन मंदिर के। इस मंदिर में प्रवेश करने के बाद एक अद्भुत शांति का एहसास हुआ। में इस जगह एक छोटे से चैत्यालय की स्थापना की गई थी। धीरे धीरे इस मंदिर से लोग जुड़ते चले गए और चैत्यालय काफी छोटा पड़ने लगा। साल 2002 में वर्तमान मंदिर का शिलान्यास हुआ और तत्पश्चात साल 2007 में भव्य पंच कल्याणक के साथ नव निर्मित इस मंदिर की स्थापना हुई। मैं आज इस मंदिर में आई, बहुत ही शांति की अनुभूति हुई, आप इस मंदिर के इतिहास बताइए। देखिए इस क्षेत्र में 1962 में एक चैत्यालय की स्थापना की गई थी
लेकिन धीरे धीरे जैसे जैन परिवार यहाँ बढ़ते गए, 1995 में एक क्षेत्र के लोगों ने एक सभा की और एक मंदिर निर्माण समिति का गठन कर मंदिर की योजना हाथ में ली। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष स्वर्गीय बिमल जी काला थे। उसके बाद 2002 में 8 फरवरी के दिन मंदिर का शिलान्यास हुआ श्री बिमल जी सोरैया के कर कमलों से, और 5 साल की अवधि में निर्माण कार्य पूरा हुआ। 22 फरवरी से 2 मार्च के बीच गुवाहाटी में अत्यंत ही धूमधाम से पंचकल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ, और अभी यहाँ लगभग इस क्षेत्र यहाँ पर लगभग 40-45 के लगभग परिवार हैं जो यहाँ पांडू मालेगांव क्षेत्र में रहते हैं, जो सीधे रूप से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। लगभग 150-200 की आबादी होगी। इसके अलावा बाहर के अंचल से भी, और विजयनगर, खासकर विजयनगर से और गुवाहाटी, शांतिपुर, भरोलीमुख, फैंसी बाजार से भी काफ़ी संख्या में लोग रोज यहाँ आते हैं और अत्यंत ही भक्तिभावपूर्वक यहाँ पर दैनिक कार्यवाही संपन्न होती है। आप इस मंदिर का विशेषता बताइए। इस मंदिर में देखिए पूरे सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है जो सात्विक का प्रतीक है। कहीं भी इस मंदिर में कोई खंभे या पिलर वगैरह इस मंदिर में नहीं है, और इस मंदिर में कहीं भी कोई रकम की तस्वीर, किसी की फ़ोटो वगैरह पूरी वर्जित है, जो अपने आप में एक अनुकरणीय है। इस मंदिर में मूल प्रतिमाएं कौन सी हैं और कितने भगवान विराजमान हैं? यहाँ मूल प्रतिमा श्री शांतिनाथ भगवान की है और यहाँ कुल 7 प्रतिमाएं विराजमान हैं। मंदिर में स्थापित शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा को चमत्कारिक प्रतिमा माना जाता है, जिनके दर्शन करने से ही लोगों के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। आपका इस मंदिर में इतना झुकाव क्यों है? देखिए, ये शांतिनाथ भगवान की जो प्रतिमा है ये काफ़ी चमत्कारिक प्रतिमा है। यहाँ पंचकल्याण के समय जब पंचकल्याण हुआ था तो ये प्रतिमा इतनी भारी हो गई थी कि वो यहाँ से हिली भी नहीं थी, पर अपने उनका हाथ लग के अपने से प्रतिमा ये हो गई और काफ़ी चमत्कारिक। और आज मैं जो भी हूँ, आज मेरे को लगता है कि मैं रोज़ देव दर्शन करता हूँ, रोज़ यहाँ पर आता हूँ, तो उस सर उसी के दिन है। और मैं आज वाह जिंदगी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि आज हमारे यहाँ पांडू क्षेत्र में आए और हमारे इसकी विशेष मंदिर के विशेषता के बारे में जानकारी लिया उन्होंने। मंदिर के ऊपर एक विशाल शिखर भी निर्मित है जिसमें कई प्रतिमाएं विराजित है, और शिखर का रंग भी शांति का प्रतीक सफेद ही है। आप सब महिलाएं सिर्फ धर्म से जुड़ी हैं या कुछ सामाजिक कार्य भी करते हैं? हम लोगों ने समाज का महिला मंडल खोल के रखा है, उसके थ्रू हम लोग जो भी दान वगैरह करना होता है स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए और के लिए दान वगैरह हम लोग करते रहते हैं। इस मंदिर में हम रोज़ आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। सभी यहाँ पूजा पाठ बहुत धूमधाम से करते हैं और मतलब नित्य नियम पूजा यहाँ बहुत अच्छे से होती है। कलशाभिषेक होता है, वो भी बहुत अच्छे से होता है यहाँ। यहाँ जैसे शाम को भी सब आते हैं, आरती करते हैं, यहाँ पर बहुत भक्तिभाव से आरती होती है। अगर आपने अभी तक शांतिनाथ भगवान की चमत्कारिक प्रतिमा के दर्शन नहीं किए हैं तो आज ही पांडू आइए और दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। दोस्तों, वह जिंदगी के आज के इस एपिसोड में, मंदिर दर्शन की इस प्रस्तुति में, मैं आप सभी को असम के गुवाहाटी के शहर में लेकर चली। अब इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास, आपके शहर में, आपके गांव में अगर ऐसे कोई जैन मंदिर है जिसे आप चाहते हैं कि हमारी वह जिंदगी की टीम आए, उस पर एक फिल्म बनाए और हमारे लाखों के जो दर्शक हैं उन्हें दिखाए, तो हमें बहुत खुशी होगी। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, अपने अपने परिवार के सेहत का ख्याल रखिएगा, भगवान का नाम के साथ साथ समाज कार्य भी करते चलिएगा।